खुशामदीद नाजरीन, टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका इस्तकबाल है। हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री में बड़े दिन बाद आ रही है एक्शन मूवी भाईजान का फैन। 20 मई को रिलीज हुए भाईजान के फैन का ट्रेलर याकूत महल थिएटर में लॉन्च किया गया था और आवाम इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। आज एक प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए मीडिया के जरिए शहर हैदराबाद के नाजरीन को ये खबर दी गई कि ईद पर 10 जुलाई 2022 को भाईजान का फैन सिनेमा घरों में रिलीज होगा। आप अपने खानदान, फैमिली या दोस्तों के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सोहेल शेख, डायरेक्टर सज्जाद हुसैन हैं। इस मूवी के एक्टर अल्ताफ हैदर, अहमद कुरैशी, सिराज, शिवा और दीगर ने बेहतरीन अदाकारी दिखाई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मिसेस मेहराज खान साहेबा, कौमी प्रेसिडेंट महिला विंग एंटी करप्शन कमेटी एलाइज BNS मोहम्मद शफी, प्रिंस होटल और रेस्टोरेंट के ओनर शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ इमरान उर्फ इम्मू, यूट्यूबर एक्टर मिस्टर आगा मुजफ्फरपुर उद्दीन, ग्रास हॉपर एंटरटेनमेंट स्पोर्ट INS मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खास लम्हे के कुछ खास झलकियाँ। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल TV31 न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अरे अलीगो दिन, कलीगो दिन, नईगो दिन, सलीगो दिन, तुम लोग की किस्मत अच्छी है आज के दिन, क्योंकि भाईजान का फैन रिलीज हो रही बकरी के दिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो टाइम निकाल कर आए हैं हमारे लिए। आज जैसे कि भाईजान का फैन का ट्रेलर जो कि हमारी मूवी है, किस्मत से उसको ईद की हमारी रिलीज डेट मिली है। सिराज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रिलीज डेट ऐसे मौके पर निकाले हैं। और आज हमारे इमरान खान इम्मी साहब जो कि हमारी रिक्वेस्ट पर आज यहाँ पर आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी टीम, उनकी बॉस की टीम जो पीछे बैठे भी है, शेख एहसास, संजय राव जो कि रैपर से हैदराबाद के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फिल्म हमने ऐसे मुद्दे पर बनाई है जो कि हैदराबाद में आज रनिंग है, रेप का ऐसा मुद्दा है। तो ये फिल्म में हमने बहुत एक हर जगह पर मैसेज है, हीरो जो है हेल्पिंग नेचर है, हीरो का कैरेक्टर ऐसे डिसाइड किया गया है, कोई भी देखो उसमें उसके बाद में बाहर निकलने के बाद में छोटा है, शायद वो किसी की हेल्प करने की कोशिश करेगा, ये हमने ये फिल्म में बताया है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये फिल्म को यूट्यूब पर आने का इंतज़ार मत कीजिए, इसे थिएटर में जाकर देखिए और इसे कामयाब करिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही और इस पर लेवल बढ़ा सके और हम बजट में नीचे ला सके, प्रोड्यूसर्स हमारी तरफ रुझू हो सके, क्योंकि अगर ये फिल्म को सक्सेस नहीं मिलेगी अब तो प्रोड्यूसर्स बिल्कुल ही मतलब गायब तो हो गए हैं और अब तो दिखेगी भी नहीं। अगर आप लोग ये फिल्म को सक्सेस करते हैं तो प्रोड्यूसर्स आगे आएंगे और हम ऐसे ही मुद्दों पर, ऐसे ही नेशनल लेवल पर और हो सका तो इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म बनाएंगे। बस हमें बजट की कमी है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये फिल्म को थिएटर में देखिए, थिएटर हम जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे और ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पर, अभी ट्रेलर आप सुहेल खान के चैनल पर देख सकते हैं, भाईजान का फैन ट्रेलर को अगर सर्च करेंगे तभी दिख जाएगा, ट्रेलर देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े हंसी लोग आए हुए हैं उन सबका मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ईद की वक्त आज संडे है, हर कोई बिजी रहते, आज संडे इतना अच्छा वक्त निकाल के हम लोग ईद भी आए हैं, तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हम लोग को आप सपोर्ट कीजिए। आज हमारे बीच में इतने मीडिया वाले भी लोग आए हुए हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा वो मुझे प्रमोट करते हैं और हमारे इमरान भाई उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। और मैं सबसे पहले सिराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी फिल्म को प्रेजेंट किया। हम लोग तो फिल्म बना लिए मगर रिलीज का बहुत बड़ा मसला होता है हर एक फिल्म के लिए, तो उन्होंने हमारी फिल्म देखी और हमारे टैलेंट को समझा और हमारी फिल्म रिलीज करने के लिए, प्रेजेंट के लिए आगे आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे खान साहब उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी हमारी काफ़ी बहुत
अच्छे से मदद की और मैं सारे मीडिया चैनलों वालों के जरिए आवाम से अपील यही करना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म को आप थिएटर्स में ही जरूर देखें, क्योंकि आपका प्यार हमें होना जरूरी है, आपका सपोर्ट होना जरूरी है ताकि हम और अच्छे से फिल्म बना सकें और हैदराबाद का नाम रोशन कर सकें। बस हम लोगों के पास एक ही है कि हैदराबाद का नाम रोशन होना, हमारी भी हैदराबादी फिल्में बाहर दुनिया में नाम कमाना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। आप लोगों से सबसे मीडिया चैनल के वालों के जरिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप लोग यूट्यूब पे देखिए, सोहेल खान चैनल मेरा चैनल है, उस पर आप सर्च करके देखिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ईद के दिन खासकर हमारी फिल्म जरूर देखें आप लोग। बस आपसे हम लोगों से मेरी यही विनती है, शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, मैं मेरा शान एंटी करप्शन से हूँ और वुमेन्स विंग्स की हूँ, इसलिए मुझे बुलाया गया है पिक्चर के टाइटल से, राइट? तो यहाँ पर खवातीन भी हैं, उनको भी मेरे तरफ से सलाम। और यहाँ पर सुहेल साहब ने मुझे इनवाइट किया है, ये मैंने ट्रेलर देखा है, थोड़ा सा भेजे है मेरे पास, ये चीज़ों से हम, ये रूटीन है हमारी समझिएगा, क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया लेवल से और इस पर हमारे को ऊँच नहीं अच्छा बुरा सब रहता है। ये चीज़ें जो इजहार किए हैं डायरेक्टर साहब सज्जाद हुसैन, इंशाल्लाह ये चीज़ें को आगे बढ़ाना है। मेरी टीम में जितने भी हैं, मैं उनको किसी का नाम से लफ्फे नहीं हूँ, स्टेज पे मेरे साथ जो भी है उनको वेलकम करती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पसंद आया है, ये कॉन्सेप्ट में जो लोग किरदार निभाए हैं, शॉर्ट देखी हूँ मैं, कम से कम मतलब अच्छे से डाला है उन्होंने, पर वो बेस्ट है, क्योंकि कोई भी हादसा होते वक्त एक चीज़ है, पुलिस नहीं रहती या अड़ोस पड़ोस कोई नहीं रहता, हादसा होने के बाद आते हैं उसको जो ले के चलना है पुलिस हो या अदर पब्लिक का, वो चीज़ को उभारना है। और दूसरी चीज़ है कि ये किरदार जो आए हैं इनको आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि सुहेल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही शो मत हो जाइएगा, आप दूसरों को भी चांस देते जाइएगा, क्योंकि कई चीज़ें हैदराबाद से हुई हैं, इस सिंगल सिंगल चल रहा है, बस वही लोग दूसरों को भी मौका दें। और रही बात ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा मजबूती से करें, क्योंकि हम जब भी कोई केस करते हैं, कोई केस आता है, तो हम कोई भी एक चीज़ हो, नॉर्मल आदमी हो या बड़ा सा बड़ा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज ए लड़की कोई भी गर्ल उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, चाहे उन्हें गलत हो। और डिजिटल में जो जा रहे हैं ना, हम उसको रोकना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डिजिटल जो बात आ रही है हमारे माइंड में, डिजिटल कुछ नहीं है, हम और पीछे चले गए, राइट? खाली दिखावा है जो सामने हम लोग बख्तियाँ देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं लड़कियों के लिए, प्रोटेक्ट करना सभी का फर्ज बनता है, ऐसा नहीं है कि महल्ले में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, क्योंकि जो आजकल का माहौल है वो माहौल बिल्कुल इनसिक्योर है। और रही बात लड़कियों के लिए खुसूसन, बल्कि नहीं लड़कों के लिए, उनकी भी लाइफ एक्सपायर होती है। अब देखिए आजकल के हालात जो रिसेंटली चल रहा है, वो तो मैं बोलना मुनासिब नहीं समझती हूँ, इसमें बड़ों का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है। जब तक के पेरेंट्स इनको अपने दोस्त नहीं बनाए, अपने साथ नहीं रखे, वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो।